सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो में अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद के बारे में जाना था, जिसमें आपने विधानवाचक वाक्य एवं निषेधवाचक वाक्य के बारे में अध्ययन कार्य किया था। आज उन्हीं की अगले उपभेदों के साथ पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो आइए चलिए अध्ययन अध्यापन का सिलसिला आरंभ करते हैं। अब है इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य क्या होता है? इच्छार्थक वाक्य वह वाक्य होता है जिन वाक्यों में इच्छा, कामना, शुभकामना, आशीर्वाद और सुझाव प्रकट हो, उन्हें हम इच्छार्थक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे अब घूमने के लिए चला जाए, यहाँ पर एक इच्छा प्रकट की जा रही है, या आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो यहाँ पर एक मंगल कामना की जा रही है, और ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करें, यहाँ पर आशीर्वाद दिया जा रहा है, भगवान करें सब सकुशल लौटें, यहाँ पर भी एक मंगल कामना की जा रही है। तो इस प्रकार से जहाँ पर ऐसे भाव प्रकट हों वहाँ पर इच्छार्थक वाक्य होता है। तो कहने का आशय यह है, जिन वाक्यों में इच्छा, कामना, शुभकामना, आशीर्वाद और सुझाव प्रकट हों वहाँ पर इच्छार्थक वाक्य होता है। तो इन सभी वाक्यों में, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब घूमने के लिए चला जाए, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करें, भगवान करें सब कुछ सकुशल लौटें, इन सभी वाक्यों में कहीं इच्छा प्रकट हो रही है तो कहीं कामना प्रकट हो रही है, तो कहीं शुभकामना दी जा रही है, तो कहीं आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से जहाँ पर ऐसे भाव प्रकट हों वहाँ पर इच्छार्थक वाक्य होता है। अब हम चौथे वाक्य पर आते हैं, वह है प्रश्नवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक वाक्य को हम समझते हैं, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में क्या, कौन, कब, कैसे, कहाँ इत्यादि शब्द आते हैं। उदाहरण के लिए, क्या तुम पढ़ोगे, कल कौन आएगा, आप कब आओगे, आप क्यों जा रहे हो। तो इस प्रकार से सभी वाक्यों में कहीं ना कहीं प्रश्न किया गया है। कौन के माध्यम से, क्या के माध्यम से, कब के माध्यम से, क्यों के माध्यम से, इस प्रकार से प्रश्न जहाँ पर किया जाए वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य होता है जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब हम इच्छार्थक एवं प्रश्नवाचक वाक्य में क्या अंतर होता है उसके बारे में जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब वाक्य में इच्छा या मंगल कामना या आशीर्वादात्मक भाव प्रकट हो तो वहाँ पर इच्छार्थक वाक्य होता है, और वहीं पर जब वाक्य में प्रश्न किया जाता है तो वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे उदाहरण के लिए, तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, यह क्या है, यहाँ पर एक इच्छा प्रकट की जा रही है कि यहाँ तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, या क्या तुम पढ़ते हो, यहाँ पर भी प्रश्न किया जा रहा है, क्या तुम पढ़ते हो, क्या के माध्यम से, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द के माध्यम से प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए यह प्रश्नवाचक वाक्य होगा। तो इस प्रकार से इच्छार्थक एवं प्रश्नवाचक वाक्य में अंतर होता है। अब विभिन्न वाक्यों का कैसे अन्य वाक्यों में परिवर्तन होता है, कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे मोहन विद्यालय जाता है, तो यह कैसा वाक्य है, जैसा कि आपको पहले ही दूसरे ही वीडियो में हमने बताया था, मोहन विद्यालय जाता है यह विधानवाचक वाक्य है, और मोहन विद्यालय नहीं जाता है यह उसी वाक्य का निषेधवाचक, यह नकारात्मक भाव प्रकट हो रहा है, और उसी विधानवाचक का इच्छार्थक में क्या, मोहन को विद्यालय जाना चाहिए, यहाँ पर एक इच्छा प्रकट की जा रही है,
तो यहां पर यह इच्छार्थक वाक्य हो जाएगा। और वहीं पर क्या मोहन विद्यालय जाता है, तो यहां पर क्या है, क्या शब्द के द्वारा प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए यह प्रश्नवाचक वाक्य होगा। एक ही शब्द के कैसे, एक ही वाक्य के कैसे विभिन्न प्रकार के वाक्यों में परिवर्तन किया गया है, इसको हम यहां पर देख रहे हैं। तो बच्चों आज बस इतना ही, अब हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर एक, क्या तुम कल मेरे घर आओगे, क्या तुम कल मेरे घर आओगे वाक्य का कौन सा भेद है, इसमें कौन सा वाक्य है आपको यही बताना है। आपके विकल्प हैं क विधानवाचक, ख निषेधवाचक, ग प्रश्नार्थक, घ इच्छार्थक। तो बच्चों आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। जी हाँ, आपका विकल्प द प्रश्नार्थक वाक्य है, क्योंकि क्या तुम कल मेरे घर आओगे, यहाँ पर क्या के द्वारा प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए यह प्रश्नार्थक वाक्य है। अब हम दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं, भगवान तुम्हारा भला करें वाक्य का कौन सा भेद है, भगवान तुम्हारा भला करें वाक्य का कौन सा भेद है। आपके विकल्प हैं क इच्छार्थक, ख प्रश्नार्थक, ग विधानवाचक, घ उपर्युक्त सभी। तो बच्चों आपने अनुमान लगा लिया होगा कि इस प्रश्न में कौन सा उत्तर होगा। जी हाँ, आपका विकल्प का बिल्कुल सही है, इच्छार्थक वाक्य। यहाँ पर कोई किसी से भगवान उसकी मंगल करें, उसकी रक्षा करें, इसके लिए वह एक मंगल कामना कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इच्छार्थक वाक्य होगा। अब हम तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्या सचिन कुलदीप की शादी में जाएगा, क्या सचिन कुलदीप की शादी में जाएगा वाक्य का इच्छार्थक रूप सही होगा। आपके विकल्प हैं क सचिन कुलदीप की शादी में जाएगा, ख सचिन कुलदीप की शादी में नहीं जाएगा, ग सचिन को कुलदीप की शादी में जाना चाहिए, घ इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अनुमान लगाओ कि कौन सा विकल्प आपका सही हो सकता है। जी हाँ, आपका विकल्प ग एकदम सही है, सचिन को कुलदीप की शादी में जाना चाहिए, यही इसका इच्छार्थक रूप होगा। अब हम चौथे प्रश्न पर बढ़ते हैं, संजय विद्यालय नहीं जाएगा का प्रश्नवाचक रूप सही होगा, का विद्यालय संजय को विद्यालय जाना चाहिए, ख क्या संजय विद्यालय जाएगा, ग संजय विद्यालय जाएगा, घ उपर्युक्त सभी। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि प्रश्नवाचक वाक्य में कैसे इसका परिवर्तन करेंगे। जी हाँ, तो आपका विकल्प ख सही है, क्या संजय विद्यालय जाएगा, यहाँ पर क्या शब्द के द्वारा प्रश्नवाचक भाव प्रकट किया जा रहा है, इसलिए यह प्रश्नवाचक वाक्य होगा। अब हम प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों पर बढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका प्रश्न है निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो यहाँ पर आपको वाक्यों का परिवर्तन करना है। आपका पहला वाक्य है राम भोजन करता है, इसको प्रश्नार्थक वाक्य में बदलना है। ख दूसरा है आपका मैं खाना खा रही हूँ, इसको निषेधवाचक वाक्य में बदलिए। तीसरा है वह कल स्कूल नहीं आया, इसे विधानवाचक वाक्य में बदलिए। चौथा है क्या दिनेश पुस्तक पढ़ता है, इसको इच्छार्थक वाक्य में बदलिए। तो आज बस इतना ही, हम अपनी एक नई वीडियो के साथ आपसे पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।